अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी चिकन फहीता स्क्वायर पिज़्ज़ा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने बाउल में लिया हुआ है मैदा 1 कप। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून यीस्ट। नमक डालेंगे हसबे जायका और अब मैं इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा डो बना दूंगी। डो बन चुका है और अब मैं इसको ऊपर से ऑयल लगा के 1 से 2 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये फूल जाए। और यहाँ पे मैं चिकन तैयार कर रही हूँ पिज़्ज़ा के लिए। 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालकर इसको भून लेंगे। और अब मैं इसमें 1 पाव चिकन डाल रही हूँ। चिकन को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से गल जाए। चिकन गल चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हसबे जायका, 1 टीस्पून हल्दी, जीरा, धनिया और लाल मिर्चों का पाउडर मिक्स किया हुआ। चिकन हमारा रेडी है। 2 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे डो भी हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं पैन को ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करने के बाद अब मैं इसमें डो डालकर इसको अच्छे से फैला दूंगी। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली हुई है और इसको भी मैं अच्छे से फैला दूंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीज़। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी पसंद करते हैं उतनी डाल सकते हैं। चिकन रखेंगे जो हमने ऑलरेडी बना कर रखा था। प्याज और शिमला मिर्च रखेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिंग डाल सकते हैं लाइक मशरूम्स, ऑलिव्स। अब यहाँ पे मैंने सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं तो अब मैं बस इसको बेक करूँगी। पतीले को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे और अब मैं इसमें ये पिज़्ज़ा रख कर इसको बेक करूँगी। इस पिज़्ज़ा को आपने लो फ्लेम पे बेक करना है और ये 25 से 30 मिनट में बन जाता है। 25 से 30 मिनट बाद अब मैं इसको खोल रही हूँ और आप देखें कि ये बन चुका है। तो अब मैं इसको बस डिश आउट कर दूंगी। और यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइस तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।